गुजरात के तापी जिले में 46 गांव ऐसे हैं जहां कोटवाड़िया समुदाय के 21,071 परिवार रहते हैं, जो पीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के अंतर्गत आते हैं। ये परिवार ऐसे परिवार हैं जिनके पास किसी प्रकार की जमीन नहीं है और ये लोग केवल बांस से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाकर बिक्री कर गुजर चलाते हैं। टेबल, कुर्सी, टेबल वगैरह सब चीजें बनाते हैं बम्बू का। कैसे सीखा आपने, किसकी ओर से ट्रेनिंग? सरकार के ओर से हमको ट्रेनिंग दी गई थी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम वो टोकरी टोकरे बनाते थे, लेकिन उससे हमको दाम अच्छा नहीं मिलता था। फिर उधर बम्बू का तालीम लिया हम। मेरा हस्बैंड ड्राइविंग करता था, लेकिन कुछ काम मिला था नहीं मिला ऐसा चलता था, इसलिए वो घर चलाने में दिक्कत होती थी। इसलिए मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने ट्रेनिंग ली और बाम्बू का मैं साथ में जुड़ गई, तो अभी घर चलाने में दिक्कत नहीं होती है और बच्चों को पढ़ाने में कुछ तकलीफ नहीं आती है। कोटवाड़िया समाज द्वारा बनाई गई बांस की वस्तुएं पूरे भारत में बेची जाती हैं। कोटवाड़िया समुदाय की महिलाएं पहले बांस से टोकरी बनाकर बेचती थीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है, लोग बांस के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए सरकार ने इन महिलाओं का साथ दिया और इन्हें फर्नीचर बनाने के लिए प्रेरित किया है और अब वो महिलाएं इस कला को सीखकर अपना भविष्य बना रही हैं।